हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डील करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सॉयल साइंस का प्रैक्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग को डील करना है, सबसे पहला है कि स्टडी ऑफ सॉयल प्रोफाइल इन फील्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डील करने के लिए प्रोफाइल, उसके लिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोस देख लें, तब तुम लोग को अच्छा से बता पाए, या फिर तो कुछ एक वीडियो बना के तुम लोग को सेंड कर दें। अभी फ़िलहाल अभी हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग को बात करना है स्टडी ऑफ सॉयल सैम्पलिंग टूल्स कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव सॉयल सैम्पल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सॉयल सैम्पल, इट्स प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, जो कि तुम लोग में भी कॉलेज में भी कर चुके हो। ठीक है, तो इस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टडी ऑफ सॉयल सैम्पलिंग टूल्स है वो बता दिया जाएगा। सेकंड, जो कलेक्शन है वहाँ से अब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, कलेक्शन के लिए सबसे पहले तुम्हें वो कोई भी फील्ड ले लो। ठीक है, फील्ड का कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसा तुमको इस फोटो में या पिक में शो हो रहा है। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद एक प्लॉट उसमें बना लो, कि एक छोटा सा एरिया जिसमें तुमको एक डिगिंग आउट करना है। ठीक है, अब तुम कुछ भी इस्तेमाल करो, मे बी किसी के पास कुछ इक्विपमेंट हो उस टाइप का कि जिससे थोड़ा सा डिगिंग आउट कर सके, तो वो ढूंढ लेना, घर पे ही किसी के पास कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो वो देख लेना, उसके बाद एक प्लॉट बना लेना। ठीक है, फिर हम लोग को उसको डिग आउट करना है। ठीक है, कोड़ना है उसको। ठीक है, तो कोड़ना है, तो हम लोग को थोड़ा सा वी शेप में कोड़ना है। ठीक है, जैसे कि तुम पिक में हल्का सा दिख रहा होगा कि साइड से, एक साइड से पहले कोड़ा गया है, फिर उसको मैंने दूसरे साइड से भी कोड़ा था। ठीक है, वैसे करके मैंने एक वी शेप तैयार किया। ठीक है, और ये वी शेप कम से कम तुम्हारा 15 सेंटीमीटर होना चाहिए डाउनवर्ड। ठीक है, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबके पास स्केल तो होगा ही, एक बार स्केल से नाप लेना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देख लो। ठीक है, स्केल दिखाने में मैंने स्केल से दिखा दिया है, 15 सेंटीमीटर का मैंने किया था। ठीक है, बहुत सारा पत्थर उत्थर मिल गया वो सब। ठीक है, वो सब थोड़ा सा हटा लेना, कहीं भी किसी का ज़मीन में मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, वो सब हटाने के बाद, थोड़ा साफ उफ करने के बाद, वहाँ से मिट्टी तुम लोगों को कम से कम 150 से 250 ग्राम निकाल लेना, अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट के हिसाब से। नीचे वाला मिट्टी निकालना, साइड वाला नहीं। ठीक है, उतना ग्राम मिट्टी निकाल लेना। ठीक है, जैसे कि इस स्केल में तुम लोगों को दिख रहा होगा, पूरा 15 सेंटीमीटर का है इंटरनल। ठीक है, उसके बाद कुछ दिख रहा होगा पत्ता उत्ता, वो सब हटाने के बाद और मिट्टी को थोड़ा साफ़ करने के बाद, वहाँ से 150 से 250 ग्राम मिट्टी ले लेना तुम लोग। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ मिट्टी लिया। एक कोशिश करना, घर में अगर कपड़े का कोई बैग हो या फिर मतलब कपड़े का कुछ कपड़ा ही हो एक छोटा सा, ठीक है, जिसमें तुम लोग उसको स्टोर करके रख सको। ठीक है, उसमें देख रहा होगा कि बहुत सारा पत्थर उत्थर है या फिर स्टोन्स है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो सब साफ़ करके उसको पूरा क्लियर करना है, जैसे कि ये अभी भी इसमें कुछ दिख रहा है, उसको भी क्लियर कर देना। ठीक है, फिर जितना भी क्लॉट्स व्लॉट्स है उसको ब्रेक करना है हम लोग को हैंड से ही। ठीक है, उसके बाद जो वो स्पेस तुम्हारा जो बचा हुआ था, मतलब जो डिग आउट किए थे, उसको वापस भर देना, उसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, हमको मिट्टी मिल चुका है। अब देखो कि मैंने एक प्लास्टिक का ग्लव टाइप पहना हुआ है। ठीक है, उस पर मैंने एक मिट्टी का मिट्टी को लेके क्या बोले है? जैसे कि उसको थोड़ा सा मतलब प्रेस किया तो वो थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज होने लगा, तो ये उसका कंसिस्टेंसी शो करता है। ठीक है, ये सब बताया जाएगा आगे। ठीक है, फिलहाल अब देखो यहाँ पर जो मेरे को सैंड मिला, मैंने उससे थोड़ा सा सब साफ उफ कर दिया, और जो भी जड़ उड़ या फिर स्टोन्स वोस्टोन्स था उसको साफ़ कर चुका हूँ। ठीक है, देखो साइड में निकाल भी रखा हूँ। ठीक है, ऐसे करके तुम लोगों को वो पूरा साफ़ करना है, और फिर हो सके तो उसका क्लाउड जितना ब्रेक कर सको करो। मेरा मिट्टी थोड़ा गीला था इसलिए ज़्यादा से ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है, जितना ब्रेक कर सकना है करो,
उसके बाद देखो ऐसे अलग कर देना, फिर ये तुम्हारा सॉइल फ्रेशली तुमको मिल चुका है, मेनली तुमको दिख रहा होगा ब्लैक सॉइल टाइप का, ठीक है। तो तुम लोग जैसे सबको ये ट्राई करोगे तो सबके घर में अलग अलग टाइप का सॉइल्स मिलेगा, तो हम लोग उसमें स्टडी ऑफ सॉइल कलर्स भी डिटरमाइन ऑफ सॉइल कलर एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम लोग इसमें हो जाएगा, सबके पास कुछ ना कुछ अलग कलर का सॉइल मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको धूप में पूरा ऐसे फैला के उसको सुखा देना, क्योंकि मे भी तुम लोग कभी मिट्टी गीला हो, मेरा जैसे गीला था, ठीक है। तो वो गीला है तो उसको सुखाना होगा, कम से कम एक दिन तो छोड़ ही देना धूप में दिन भर, ताकि पूरा से ड्राई हो जाए। उसके बाद उसको घर में बेलना होगा, पता है, ठीक है। उससे लेके थोड़ा सा उसको पीस देना, या फिर कुछ और होगा तो उससे पीस देना, हथौड़ी से या जिससे मानो, ठीक है, ताकि उसका एकदम बारीक चूर हो जाए, ठीक है। ठीक है, और बेलना वेलना यूज़ करेगा तो मम्मी मारेगी भी, ठीक है, सब देख लेना, मम्मी धो के दे देना, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा ड्राई करना है हम लोगों, ठीक है। मैंने उसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है, अब वो एक दिन ड्राई होगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑडियो बना के तुम लोग को सेंड करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, इतना करना है तुम लोग सबको, फिर तुम लोग भी ये ट्राई करके एक मतलब फोटोज़ ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। बाकी जो बात होगा हम लोग बात करते हैं फिर। चलो, थैंक यू, बाय।